महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सन। अभी हम लोग खड़े हैं कुर्ला में, विनोबा नगर में। मुस्लिम रिश्तों का कैंप लगाया गया है, तो यहां पर मौजूद है अब्दुल कयूम सर, जिनसे हम बात करते हैं कि आज का प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, किस बेस पे किया है। जी मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल कयूम है, मैं एक कामयाब मैरिज ब्यूरो में एक जिम्मेदार हूँ। जो हमने आज क्या ये किए, जो जलसा रखा गया है मुस्लिम रिश्तों का जलसा, फ्री मुस्लिम रिश्तों का जलसा, और उसमें वजह यह रहती कि आजकल हम बार बार यही बता रहे कि आजकल जो एजेंट लोग हैं उन्होंने जो ये काम है जो शादी का रिश्ता देखने का इतना मुश्किल कर दिया है कि बेहिसाब। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने पैसे ले लेकर जो हमारे लोग परेशान हैं रिश्ते के लिए, और भी उसके अंदर परेशानी बढ़ा दी है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके के जलसे रखते हैं जिसमें कि ओपन कैटेगरी में तो हर कोई आकर हमारे पास आकर बायोडाटा भरा जाता है और उसके हम लोग PDF फाइल बनाते और उसको हम भेजते हैं। तो ये रिश्ता कैम रखने के लिए आपके दिमाग में ख्याल किस तरीके से आया? जी ये रिश्ता प्रोग्राम रखने का वजह ये है कि हम लोग हमारा वही वजह है कि जो परेशानी आ रही है रिश्तों में, आजकल सब में ज़्यादा परेशानी रिश्ते में हो रही है, अपने जो मुस्लिम रिश्तों में बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि हर कोई चीज़ में हर चीज़ का एक एटीट्यूड आ गया। हर कोई डॉक्टर को डॉक्टर करना चाहता है, वकील को वकील करना चाहता है, तो उसमें दूसरे जो लोग हैं वो बहुत परेशान है। इसके लिए हम लोग ओपन तरीके से हर किसी के लिए ऐसे जलसे मुनाकिद करते हैं हम लोग। तो इस रिश्ते के मतलब किसके लिए, ये खाली कुंवारे लोगों के लिए किए हो आपने इंतज़ाम किया, और भी लोग जो मतलब जो आपने प्रोग्राम में किसके लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जैसा हमारे मुआशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि किस तरीके करना चाहिए, क्या उसको फॉलो करके आप ये चीज़ कर रहे हो? जी हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह के नबी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम अदा करते हुए शरीयत के मुताबिक हम लोग रिश्ते रखते हैं। आप देखिए जो यहाँ रखे गए फाइल ये सब, इसमें आप देखेंगे कि दावर से जो विधो है और हैंडीकैप है, माशाल्लाह हैंडीकैप के भी हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कोशिश ये करते कि अनमैरिड के लिए तो हर कोई जो मैरिज ब्यूरो है जो एजेंट है वो तो कोई भी तैयार रहता, पर जो विडो है वो तो जो खुला लिए हुए है और जो हैंडीकैप है उनके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनके लिए करते हैं हम लोग। और माशाल्लाह हमारे इसमें हमारे 7.5 साल में 8,000 से ज़्यादा रिश्ते तय हो गए और माशाल्लाह हमको उसका मैसेज आता है। हम लोग फेक जैसे कि हम लोग आप देखे होंगे कि जब भी आप हमारे पास बायोडाटा भरने आते हैं, इस तरीके से हमारा ये बायोडाटा होता है, तो हम जब आप हमारे पास भरने आते हैं तो हम आपको पूछते हैं कि आपके पास ये है क्या, गवर्नमेंट आईडी पूछते हैं। उसकी वजह ये है कि कोई फेक आकर भर ना दे। ये जो होता है रिश्तों का मामला, बेटा बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है, तो हम लोग हर चीज़ की प्रूफ देख कर उसको प्रोग्राम करते हैं। तो अभी जो आपने ये प्रोग्राम किया आज कुर्ला में, पहली बार आपने ये प्रोग्राम किया है, तो आपको कुर्ला में इसका रिस्पांस कैसा मिला? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी देखिए अभी 5 बज रहे, हम हर प्रोग्राम हमारा 1 बजे से 5 बजे तक होता है, पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग मौजूद है इधर नहीं क्या बैठे हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पर अभी देख, माशाल्लाह अभी 100-150 तो ऐसे आते रहते, और उसके अंदर बहुत से लोग तो जो पहले के भी मेंबर आए ले रहे थे, और अभी 100-150 बायोडाटा हम लोग सबमिट करके गए लोगों ने। जी चलो, ये थे हमारे अब्दुल कयूम भाई, जिनसे बात करके काफ़ी मतलब मैरिज ब्यूरो के बारे में हमको पता चला कि किस तरीके बेस पर ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करके हम ये काम को कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। अभी यहाँ पर मौजूद है जागीदार भाई, आइए हम उनसे भी सवाल करते हैं कुछ, कि ये प्रोग्राम में उन्होंने भी हिस्सा लिया है तो किस तरीके से उनकी ख्वाहिश, नेक ख्वाहिश क्या है वो बताएंगे हमें। जागीदार भाई आप अपना सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम अमीरुद्दीन अजीज़ पाशा है, जागीरदार। मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ के रहवासी हूँ, तो इनके प्रोग्राम में मैं जाता रहता था, तो प्रोग्राम में मेरे को ऐसा मालूम पड़ा इनको जगह की तलाश है कुर्ला में। तो आपको कुर्ला का ही ख्याल क्यों आया? कुर्ला का ख्याल इसलिए आया कि इधर 90% आबादी मुसलमानों की, और मुसलमानों के यहाँ पे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो ऐसी बैठी है, 45 साल उम्र हुई उनकी शादी नहीं हो रही। अच्छा। तो मैं बोला अपने इधर अगर होगा तो ये शादियाँ जो रुकी हुई है लड़कों लड़कियों वो हो जाए। अच्छा। वो मकसद था मेरा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ का ख्याल कैसा है कि इनको यहाँ पर बुलाया जाए, करा जाए कि ये मैरिज ब्यूरो मुस्लिम लड़की लोग के लिए रखा जाए, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर विधवाओं के लिए है, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए, अपाइज लोगों के लिए, मतलब सबके रिश्ता लगाया था, तो इसमें आपकी पहल क्या है? मेरी पहल ये है कि मैं भी इनके उसमें ही जाता था, मेरी लड़की छोटी लड़की का शादी इनके थ्रू से ही हुआ है,
24 दिसंबर को शादी हुआ, तो मुझे लगा कि जब मेरी बच्ची का शादी हो तो औरों की बच्चियों का लड़कों का भी शादी हो जाए। उसके लिए मैं इनसे कॉन्टेक्ट किया और इन जगह की तलाश थी, तो मैं बोला यहाँ विनोबा भवन नगर में पुलिस चौकी के अंदर सस्ते में आपको हॉल मिल जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने इनको भागदौड़ करके इनको कॉन्टेक्ट करा के इधर मैंने हॉल का अरेंजमेंट किया। तो मुझे नबी की जो सुन्नत है उस पर अल्लाह ने मुझे साथ दिया और हो गया। तो ये थे हमारे जागीरदार भाई, जिनसे बात करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी सुबह से अच्छा रिस्पांस मिला इनको, 150 लोगों का इन्होंने अभी तक माशाल्लाह फॉर्म सबमिट किया है। और इनकी सोच भी यही है, बेहतरीन सोच है कि इनकी बेटी का भी यहाँ पर निकाह इसी के थ्रू, मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुआ। तो इन्होंने सोचा कि कुर्ला में भी एक प्रोग्राम अरेंज किया जाए ताकि और भी कई गरीब बच्चियाँ हैं सबका निकाह हो सके। इनसे बात करते कि इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और हर प्रोग्राम में ये हिस्सा लेते हैं इनके साथ में, तो इस विषय पे इनकी क्या राय है वो भी जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि भाई उमेर नाम है मेरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हर बार फैसल भाई लोगों का ये प्रोग्राम होता है, हर महीने हर वीक होता है। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ जो कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके काम को कबूल करे कि उम्मत के इतने बड़े तबके को जो एक भटक रहा था, जैसे लड़कियों का है लड़कों का है, तो इन लोगों ने इस मेहनत के इस खिदमत के तहत उन चीज़ को काबू में लाया है। मतलब आपका बोलने मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह निकाह को आसान फरमाया, तो आप लोग उसमें आसानी करने में लोगों की मदद कर रहे हो। जैसा आज के नौजवान माहौल ख़राब हो चुका है, लोग यहाँ वहाँ भटक रहे, तो आप लोग उसको मतलब सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हो ये आपके ज़रिए से जो मैरिज ब्यूरो आपने खोला है। ये मैरिज ब्यूरो तो जैसे फैसल भाई की मेहनत है, ये साथ ये भाइयों की मेहनत है, उसके तहत ये चल रहा है। उस तरीके से हमारा तकवा ज्वेलर्स, ये तकवा ज्वेलर्स की तरफ से इनको हर महीने की मदद हो जाती है और हम लोगों की भी ये थोड़ी एडवर्टाइजमेंट है। तो उस तरीके से ये चीज़ काबू में आ रही है। अब ये आज अब देखोगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो हदीस क्या है कि आगे चल के आप देखोगे कि जिना आम हो जाएगा और निकाह मुश्किल। तो इतनी बड़ी सुन्नत को इन लोगों ने इस उम्मत के अंदर इस वक्त के अंदर ज़िंदा किया, इस चीज़ को काबू में लाया, तो इस चीज़ का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को इस दुनिया में तो देगा ही देगा और आखिरत में भी देगा। और आप भी देखोगे आज इस लोगों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजबूर लोग। अच्छा, तो आपका इसमें सहयोग क्या है? हमारा सहयोग ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें और लोगों को बताएं। जैसे फैसल भाई लोग जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, उन लोगों तो हमारा काम है कि हम उन लोगों को भी कह, जैसे हमारा कस्टमर रिव्यू है तकवा के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो तकवा भी इन लोगों को सपोर्ट करता है। जैसे हमारे कस्टमर्स आते हैं, निकाह की कुछ बाती है, हमारा काम ही ज्वेलरी का है, तो उस तरीके से हम हमारे कस्टमर को भी इनका रिव्यू देते हैं। जैसे आप खुद्दामुल हुज्जाज में जाके उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, तो इन लोगों से कांटेक्ट करने के रास्ते बताते हैं फिर हम लोगों। तो आगे के लिए आपने क्या सोचा, इसके लिए आगे आप और कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, क्या क्या करोगे इनके ये मैरिज ब्यूरो के लिए? मैरिज ब्यूरो के लिए जितना हो सकेगा हमारे सेठ जो है असरार भाई, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खिदमत हमसे जो है, हम उनके एम्प्लॉय है, हमारे से कहने को करेंगे, करने को करेंगे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। और तकवा जितना स्पॉन्सर कर सकता है खुले दिल से करेगा इंशाल्लाह। ये थे हमारे उमर भाई, इन्होंने तकवा ज्वेलर्स कही है, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत को जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ में लोगों ने पहल की है कि निकाह को आसान बनाने के लिए, तो बहुत अच्छी पहल की। और इनका कहना है कि आगे भी ये चीज़ को ऐसी ही तरीके से लोगों की मदद करते रहेंगे। तो आके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, हम भी दुआ करते कि इनका प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और अच्छा बढ़ चढ़ कर ये लोग इन पर हिस्सा लेवे और अल्लाह की इनके साथ में मदद हमेशा शामिल हाल रहे। मैं हूँ अशफाक शेख, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी।